जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज है माँ का तीसरा दिन, यानी कि माँ चंद्रघंटा का। किस प्रकार माँ को प्रसन्न किया जाए, कौन सा महाभोग लगाया जाए, जब आप माँ का व्रत रखें, पूजा अर्चना करें, तो कौन से रंग को धारण करें, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम आपको महा उपाय भी बताते हैं। तो चलिए ये तमाम जानकारियाँ जानते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र मूल प्रकृति आदि शक्ति की उपासना का पर्व है। प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नव ग्रह, नव निधि, नौ शक्तियों की नवधा का पर्व है नवरात्र। जीवन से जुड़े नवरंग को निखारता है नवरात्र पर्व। नवरात्र पर्व में आदि शक्ति के नौ रूपों के नौ दिनों में अलग अलग पूजा अर्चना का विधान है। जीवन को अगर नौ हिस्सों में विभाजित किया जाए तो जीवन के नवरंग का निर्माण होता है। इन्हीं नवरंग को दर्शाता है नवरात्रि का पर्व। माँ की कोख से जन्म लेने के उपरांत पंच महाभूतों के यथार्थ में समाने तक का सफर ही जीवनी के नवरंग है। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन 4 अप्रैल दिन सोमवार माँ चंद्रघंटा पूजा। प्रीति योग सुबह 7:43 से, रवि योग दोपहर 2:29 से अगले दिन सुबह 6:07 तक। शुभ समय 11:59 से दोपहर 12:49 तक। आज माँ का तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। कौन से वस्त्र धारण करके आप माँ की अर्चना करें, पूजा करें और व्रत रखें, ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, आज आप भूरे रंग का सेवन करें। भूरे रंग के कपड़े पहन के माँ की पूजा अर्चना यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। अब हम बात करेंगे माँ के महाभोग की। जी हाँ, जो भी लोग माँ के व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, उनको तो पता ही है कि नौ दिनों में माँ के विशेष महाभोग होते हैं। तो आज आपको माँ को दूध चढ़ाना है और साथ ही साथ वही दूध आप दान भी करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपके तमाम दुखों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आस्था और शक्ति का प्रतीक चैत्र नवरात्रि के पर्व का आरंभ हो चुका है। नवरात्रि में ही नौ दुर्गों के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के हर नौ दिन अलग अलग रंग पहनकर मां की आराधना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे माँ के आज के महा उपाय की। यदि आप प्रेम में असफल हो रहे हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आप माँ को चमेली का इत्र चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे माँ के चौथे स्वरूप के साथ। दें इजाजत। जय माता दी।